सो वेल गाइज, ये तो हम सभी जानते हैं कि एक आर्टिस्ट बनना बहुत मुश्किल काम है, बट उससे भी ज़्यादा मुश्किल है एक आर्टिस्ट को अपने आर्ट फॉर्म की तरफ रियल रहना। किस तरह से वो अपने आर्ट फॉर्म के लिए रियल रह सकता है, लॉयल रह सकता है और साथ ही साथ जेन्युइन और क्रिएटिव रह सकता है, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। इट्स अ बॉय सुल्तान, यू आर वॉचिंग हिप हॉप हाइप, सो लेट्स स्टार्ट रोलिंग विद दिस वन। सो वेल, आज के टाइम में जो किसी भी आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है दोस्तों, वो है अपने आर्ट फॉर्म के लिए और अपने खुद के लिए लॉयल रहना। वो कैसे कर सकता है कोई भी आर्टिस्ट? तो हाल ही फिलहाल में एक महीने पहले कान्ये वेस्ट ने अपनी 10th स्टूडियो को ड्रॉप किया, जिसका नाम था डोंडा। डोंडा एल्बम जो थी वो उन्होंने डेडिकेट की है अपनी लेट मदर डोंडा वेस्ट के नाम पे, और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर अपने करंट स्टेट ऑफ माइंड को भी एक्सप्रेस किया है। एक तो उनकी मॉम की डेथ हो चुकी थी और दूसरा उनकी वाइफ के साथ, किम कार्डशियन के साथ उनका डिवोर्स हो चुका था। जो करंट उनका स्टेट ऑफ माइंड है वो काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है डोंडा एल्बम के अंदर। डोंडा एल्बम कि जो प्रोसेस है, जिस तरह से वो एल्बम बनाई गई है, जिस तरह से क्रिएटिवली उस एल्बम को अप्रोच किया गया, जिस तरह से प्रमोट किया गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे एज एन आर्टिस्ट आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिल सकता है। फॉर मी डोंडा इज़ अ मास्टरपीस। सो गाइस, जो सबसे पहली चीज़ हमें सीखने को मिलती है फ्रॉम दिस एग्जाम्पल इज़ स्टेट रियल टू योर सेल्फ। कान्ये वेस्ट ने जब यह एल्बम बनाई तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो कोशिश की, जो सबसे ज़्यादा फोकस किया है, वो अपने स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करने में किया है, अपनी क्रिएटिव साइड के लिए किया है, अपने आर्ट फॉर्म के लिए किया है। ना ही उन्होंने लेबल का प्रेशर लिया, ना ही उन्होंने ये सोचा कि क्रिटिक्स क्या कहने वाले एल्बम के बारे में, ना ही उन्होंने ये सोचा कि फैंस के क्या इसके बारे में रिव्यूज़ होंगे, ना ही उन्होंने ये सोचा कि कमर्शियल सक्सेस कैसी होगी, एल्बम कितने स्ट्रीम्स होंगे, किस तरह की वीडियोज़ बनेंगी और किस तरह का परफॉर्मेंस होगा। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान दिया है, वो है मास्टरपीस बनाना, और उन्होंने फोकस रखा है सिर्फ अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को केयरफुली डिज़ाइन करने में और आप सबके सामने प्रेजेंट करने में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि You have to stay real to yourself. आप जब अपना कोई काम कर रहे हैं, कोई म्यूजिक एल्बम बना रहे हैं, कोई सॉन्ग बना रहे हैं, तो यू हैव टू स्टे रियल टू योरसेल्फ। आपको बाकी जितने भी फैक्टर्स है, जैसे फैंस होंगे, लेबल्स होंगे, कमर्शियल सक्सेस होगी, स्ट्रीम कैसे करने वाला है, क्रिटिक्स क्या कहने वाले, इन सब चीज़ों को आपको नज़रअंदाज करना, एंड यू हैव टू गिव बेस्ट शॉट एज पर योर स्किल सेट एंड योर मेंटल एबिलिटीज़। और साथ ही साथ गाइस, यहाँ पर आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ऑडियंस आपको समझे, उससे पहले आपको खुद को समझना ज़रूरी है। जितने भी बड़े आर्टिस्ट आज तक हुए हैं, जो सक्सेसफुल आर्टिस्ट आज तक हुए हैं, उन सब ने अपनी लाइफ में फेलियर्स देखे हैं, हार्डशिप्स देखी हैं, और उसके बाद ही वो इस मुकाम तक पहुँचे। तो अपने आप को किसी और को समझाने से पहले, या फिर अपने ऑडियंस को समझने से पहले, बाकी लोगों को समझने से पहले, एज एन आर्टिस्ट ये आपका फ़र्ज बनता है कि सबसे पहले आप इंट्रोस्पेक्ट करें और आप सबसे पहले खुद को समझें। आप समझें कि आपकी खुद की क्रिएटिव नीड्स क्या है, क्रिएटिव एस्पिरेशंस क्या है, और किस तरह से आप उन्हें अचीव कर सकते हैं। माइकल जैक्सन की एक कोट है जो मुझे याद है कि स्टडी द ग्रेट एंड बिकम द ग्रेटर। इसका मतलब ये है कि आप अपने आसपास जो भी आपके इंस्पिरेशन है, उनको आप अच्छे से समझो, आप उनको ऑब्जर्व करो, और उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें जो आपको सीखने को मिलती है उसको अप्लाई करो अपने रियल लाइफ में, और उसके बाद आप और डेवलप करो अपने स्किल सेट में, अपने माइंड सेट में। तो कहीं ना कहीं आपको खुद के साथ ईमानदार रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी लॉयल टू योर सेल्फ। सो गाइस, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है फाइंड योर क्रिएटिव स्पेस। यस, आपको अपना क्रिएटिव स्पेस ढूंढना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब डोंडा एल्बम लॉन्च हो रही थी तो मल्टीपल टाइम्स डिले हुए एल्बम के लॉन्च में, और फाइनली फिर कान्ये वेस्ट ने ये सोचा कि जब तक मेरी एल्बम कम्प्लीट नहीं होती, वो मर्सिडीज़ बैंस जो अटलांटा में स्टेडियम है, उन्होंने वहीं पर एक छोटे से कमरे को अपना रूम बनाया। उस रूम में वो रात भर काम करते थे, सोते थे, एक सिर्फ मैट्रेस वहाँ पर थी, एक चादर वहाँ पर थी, और वहाँ पर उस छोटे से रूम में ही उन्होंने अपनी उस एल्बम को कंप्लीट करने की कोशिश की। तो गाइस, इससे एक चीज़ पता चलती है कि वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट रैपरों में से एक है कान्ये वेस्ट, बट जब उनको अपना क्रिएटिव स्पेस चाहिए तो एक छोटे से कमरे को और ज़मीन पे सो के भी उन्होंने अपनी एल्बम को कंप्लीट किया। दिस इज़ द काइंड ऑफ डेडिकेशन जो आपके काम में ज़रूर होनी चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल बनना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कान्ये वेस्ट की लाइफ में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आई, उनकी मॉम का डेथ, उनकी वाइफ के साथ उनका डिवोर्स, उनके घर में भी पीछे आग लग गई थी, तो जितनी भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने वो सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब किया और बहुत ही केयरफुली एंड ब्यूटीफुली उन्होंने उस नेगेटिव एनर्जी
एनर्जी को कन्वर्ट किया इनटू द पॉजिटिव एनर्जी, जिसका आउटकम है ये एल्बम डोंडा। सो यू हैव टू फिगर आउट योर क्रिएटिव स्पेस, जहाँ पर कि आप अपनी क्रिएटिव माइंडसेट के साथ काम कर सके और नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट कर सके। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस यहाँ पर है कि यू हैव टू डिज़ाइन योर सेल्फ। कान्ये वेस्ट की अगर आप पूरी जर्नी देखो तो 10 स्टूडियो एल्बम, हर एक एल्बम नंबर 1 हिट चार्ट बस्टर रही है, और जब भी उनकी एल्बम्स लॉन्च हुई हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने रिकॉर्ड सेट किए हैं, डोंडा ने भी रिकॉर्ड सेट किए हैं। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्रिएटिव। आपको ये देखना है कि आपकी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी किसी भी परफॉर्मेंस से वो कितनी रियलिस्टिक है, और जो आप एनर्जीज दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, उसके बदले आपको एक्सपेक्ट कितना करना है। जब आपको वो क्लैरिटी हो जाती है, जब आपको वो विजन मिल जाता है कि अगर मैं एक्स अमाउंट दे रहा हूँ और मैं वाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और वो बिल्कुल रिलेटेबल है, और तब आपको कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि आपने अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया, काफ़ी ज़्यादा आपने ग्रोथ किया। तो एट द एंड ऑफ दैट डे दैट रियलिटी ऑफ विजन बिटवीन यूअर इनपुट विच यू आर पुटिंग एंड आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और दैट्स व्हाट मेक यू अ ग्रेट आर्टिस्ट। और गाइस फाइनली लास्ट में आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि यू हैव टू राइज अप। राइज अप आपको किस चीज़ से करना है? राइज अप आपको करना है नेगेटिविटी से, आपको हेट से, आपको क्रिटिक्स से, आपको नेगेटिव कमेंट से, आपको जिस तरह का आपके आसपास जो लोग आपको बुली करते हैं उन सब चीज़ों से आपको राइज अप करना है। अगर आप देखें तो जब मर्सिडीज अटलांटा स्टेडियम में कान्ये वेस्ट ने अपनी एल्बम को प्रमोट कर रहे थे, तो एक टाइम आया जब उन्होंने अपने आप को स्टेडियम में, जब वो परफॉर्म कर रहे थे स्टेज के ऊपर, स्टेज से अपने आप को एलिवेट कर दिया। तो जब उन्होंने अपने आप को एलिवेट किया तो सबको बहुत ज़्यादा शॉक लगा कि ये क्या हो रहा है। विजुअली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साइट थी वो, बट ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है उनके माइंडसेट को कि उन्होंने अपने लाइफ में जितनी भी नेगेटिव एस्पेक्ट से नेगेटिविटीज़ थी, कमेंट्स उनके क्रिटिक्स, उनके फैंस जो उनसे काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हर तरह के क्रिएटिव माइलस्टोन्स, सक्सेस होने के लिए माइलस्टोन, ये सारी चीज़ें जितनी भी उनकी लाइफ में जो चीज़ें उनको कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में इफ़ेक्ट कर रही थी, उन सबको पीछे छोड़ के उन्होंने राइज अप किया, अपने आप को लेविटेट किया है। तो इस चीज़ का ध्यान आपको भी रखना है कि इन सारी ही चीज़ों को आपको किस तरह से नज़रअंदाज करना और अपने आप को उस गेम से बड़ा करना है। सो वेल गाइज, ये थे कुछ 3-4 पॉइंट्स जो मुझे लगे कान्ये वेस्ट की एल्बम को जब मैंने सुना और एक महीने तक अच्छे से स्टडी किया, तो मुझे लगा कि ये सारे पॉइंट्स उनके फैंस और अपकमिंग आर्टिस्ट के साथ मुझे शेयर करने चाहिए, सो दैट कहीं ना कहीं ये उनको इंस्पायर करे। आज का वीडियो अगर पसंद आता तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इट्स योर बॉय सुल्तान साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। पीस।